नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत मिथिलांचल और उत्तर प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और यह व्रत स्त्रियां अपने बच्चे की आरोग्यता और आयु के लिए करती हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक समुद्र तट के स्थल पर कंचनवती नाम की एक जगह थी। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे, पाकड़ के पेड़ के नीचे एक सियारिन एक कोथर में रहती थी और चील उस पेड़ के ऊपर रहती थी। दोनों, जो सियारिन और जो चील थी, दोनों काफ़ी घनिष्ठ मित्र थी और दोनों हमेशा एक साथ ही सारे काम करते थे। एक दिन कुछ स्त्रियों को उन्होंने निर्जला व्रत करते हुए देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि यह व्रत क्यों कर रही हैं और इसका क्या महात्म्य है। तब उन स्त्रियों से जब उन्हें पता चला कि ये जितिया का व्रत है और वे अपने पुत्र के लिए ये सारे व्रत कर रहे हैं, तो सियारिन और चील ने भी सोचा कि वे भी इस व्रत को करेंगी और उन्होंने भी यह व्रत करने की ठान ली, संकल्प लिया। उस दिन उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, निर्जला व्रत का कठोर व्रत उन्होंने भी किया हुआ था। चील और सियारिन दोनों मिलकर इस व्रत को संपन्न कर रहे थे। भगवान की कृपा से उस दिन क्या हुआ कि एक व्यापारी की मृत्यु उसी दिन हो गई थी और उसका जो दाह संस्कार था वो उसी मरुस्थल में किया गया जहाँ पर वो पाकड़ का पेड़ लगा हुआ था। सियारिन ने जब सब को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने अपना व्रत तोड़ लिया और उस व्रत को तोड़ने के बाद उसने वह सब खा लिया, जिसके फलस्वरूप जो चित्तवाहन देवता थे वो काफ़ी रुष्ट हो गए और जो चील थी उसने अपना संकल्प पूरा किया। उसने अपने इस व्रत को बड़े ही अच्छे से संपन्न किया। अगले जन्म में दोनों, चील और सियारिन दोनों एक ही घर में पैदा हुए। एक ब्राह्मण का नाम भास्कर था, उनके घर पे वे पैदा हुए और दोनों में से जो चील थी वो उसकी बड़ी बहन थी, उसका नाम सीलवती था, और छोटी बहन सियारिन उसका नाम कपूरावती था। जब वे दोनों वयस्क हो गए तब ब्राह्मण ने उन दोनों की शादी की और जो सीलवती था उसका विवाह मंत्री के साथ हुआ, जबकि कपूरावती का विवाह वहाँ के राजा मलय केतु के साथ हुआ। मलय केतु की जब भी कोई संतान होती थी कुछ दिनों के बाद वह मृत्यु हो जाती थी उनके संतान की, जबकि सीलवती के सात पुत्रों की उत्पत्ति हुई और सीलवती के सातों पुत्र काफ़ी स्वस्थ और निरोग थे। यह सब देखकर कपूरावती को ईर्ष्या होने लगी सीलवती से और उसने मलय केतु से वचन लिया कि वे उनके सातों पुत्रों का वध करेंगे और उसका सिर उसे भेंट करेंगे। मलय केतु कपूरावती को काफ़ी पसंद करते थे और उन्होंने यह वचन दे दिया और उन्होंने एक दिन सातों पुत्रों को बुलाया और सातों पुत्रों को बुलाकर उनके सिर धर से अलग कर दिया और उन्हें सात थालियों में सजाकर कपूरावती ने उन थालियों को अपनी बहन सीलवती के पास भेज दिया। इधर सीलवती ने जितवाहन जी का व्रत किया हुआ था और उनकी कृपा से उनके जो बच्चे थे वे फिर से जिंदा हो गए और वे अपने घर को वापस लौट आए। इधर कपूरावती ने देखा कि सीलवती के घर से कोई भी रोने धोने की आवाज़ नहीं आ रही है तो वह पता करने के लिए खुद सीलवती के घर पहुंची। तब उसने देखा कि सातों बच्चे जिंदा है और कपूरावती यह देखकर काफ़ी गुस्सा हो गई और उसने गुस्से में अपना सारा वृत्तांत सीलवती को बताया कि मैंने तुम्हारे सारे पुत्रों को मार दिया था तो ये कैसे जिंदा हो गया। फिर सीलवती ने कहा कि ये सब जिमतवाहन देवता की वजह से हुआ है और उसने पूर्वजन का सारा वृत्तांत कपूरावती को बतलाया और बताया कि जिमतवाहन जी का व्रत करने से कभी भी पुत्रों के ऊपर जो भी संकट आते हैं वो उनको समाप्त कर देते हैं। इस तरह जितिया व्रत का प्रारंभ हुआ और जितिया व्रत का प्रारंभ होने के बाद अब ये कई जगह पे मनाया जाता है। मिथिलांचल के लोग खासकर इस व्रत को करते हैं। निर्जला व्रत है, 3 दिनों का व्रत है और पहले दिन नहाए खाए होता है जिसमें
सात्विक भोजन किया जाता है। कुछ पारंपरिक चीज़ें हैं जैसे मरुआ की रोटी और नोनिया साग और छिमनी, ये खाया जाता है। और इसके बाद फिर एक दिन का निर्जला व्रत होता है दूसरे दिन, और तीसरे दिन इसका पारण होता है। तो इस प्रकार ये जितिया का व्रत है, और आप सभी व्रत करने वालों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुजाता मिश्रा, मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।